मजे मार रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, चिल कर रहे हो, वेकेशंस पे हो, मूवीज पे जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हो, जो करना है वो करो। बिकॉज एग्जाम्स के बाद और रिजल्ट्स के पहले वाला जो टाइम होता है ना, ये एट सीए स्टूडेंट्स अपने लिए गोल्डन पीरियड होता है। इनफैक्ट मैं खुद स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि जाओ बेटा, जी लो अपनी जिंदगी इस टाइम पे, बिकॉज बचा हुआ टाइम तो अपन बिजी रहते हैं। तो जैसे कि कल ही आई थिंक किसी ने ट्वीट किया कि 10th Jan to 15th Jan के बीच में अपने रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो अभी ये जो टाइम है अपने पास बहुत कम टाइम बचा है, तो मजे तो करो ही करो, थोड़ा सा ना स्टार्ट इंडल्जिंग इन इम्प्रूविंग योर माइंडसेट एज वेल। बिकॉज एज सी ए स्टूडेंट्स काफी बार वी आर इमोशनली चैलेंज्ड, यू नो दिस इज अ जर्नी ऑफ अप्स एंड डाउन टोटली, तो थोड़ा खुद के माइंडसेट बिल्डिंग पे भी काम करना शुरू करो। तो मैम क्या करे, कैसे करे हमारा माइंडसेट बिल्ड, इसीलिए आई हैव गॉट वन अमेजिंग अमेजिंग न्यूज फॉर यू। अगर गाइज आपको पता है कि मैंने दो किताबें लिखी है, ऑडिट ऑफ अ सी ए एंड अ डे इन लाइफ ऑफ अ सी ए स्टूडेंट, बोथ दीज नॉवेल्स आर बेस्ट सेलर्स ऑन एमेजॉन एंड आई प्राउडली कॉल देम कि ये जो दोनों किताबें हैं ये मेरे दो अनमोल रतन हैं। तो ये जो मेरे दो अनमोल रतन हैं इनका कॉम्बो अमेज़न पे अवेलेबल है एट 500 रुपीज, लेकिन 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 सिर्फ आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 4 डेज ये दोनों बुक्स आपके लिए अवेलेबल रहेगी जस्ट एट 249 रुपीज। जस्ट फॉर द नेक्स्ट 4 डेज देयर इज अ सेल ऑन दीज बुक्स एट ₹249, सो फ्लैट 50% ऑफ है ऑन दीज टू नॉवेल्स। सो गो गेट योर हैंड्स ऑन दीज बुक्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ। एंड गाइस जस्ट बिकॉज मैंने ये दोनों बुक्स लिखी है इसीलिए मैं आपको ये बाय करने नहीं बोल रही हूँ, ये जो दोनों बुक्स है ना, दीज एक्सप्लेन योर जर्नी। तो गाइस ये जो बुक है ऑडिट ऑफ अ सीएम, इसमें मैंने एक जर्नी बताई है 4 फ्रेंड्स की। दिस इज बेसिकली अ जर्नी ऑफ 4 फ्रेंड्स सेट आउट ऑन अ रोड, जिसमें कोई पढ़ाकू है, कोई बहुत सिंसियर है, कोई पैशनेट है कोर्स के लिए, तो कोई बहुत लेजी है। तो एक रोड जर्नी पे है, कार में है, जिसका ड्राइवर है अपना वेरी ओन ICAI। तो कौन ये रेस जीतता है, क्यों वो ये रेस जीतता है, ये सब चीजें मैंने इस बुक में बताई है। अमेजिंग है गाइज, आपको मजा आएगा पढ़ते टाइम, आप रिव्यूज चेक कर लो, आपको खुद को समझ जाएगा कि दिस बुक इज अ मस्ट हैव ऑन योर बुक शेल्फ। ये जो सेकेंड बुक है अ डे इन लाइफ ऑफ अ सीए स्टूडेंट, इसमें एक सीए स्टूडेंट की पूरी लाइफ मैंने 24 आवर्स के दिन में बताई है। मैम 24 आवर्स में पूरे सीए स्टूडेंट की लाइफ कैसे, गाइस मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप जाओ अमेज़न पे रिव्यूज चेकआउट करो। इसमें मैंने चैलेंजेस बताया है, यू नो इनसिक्योरिटीज, अनसेड थिंग्स, अनसेड चीजें जो अपने लाइफ में होती रहती है, जैसे कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, पेरेंट्स के सामने जो अपने को गिल्ट रखता है कि अभी तक मैं मेरे पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हूँ छोटी छोटी चीजों के लिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको एक स्केच दिखाऊं, तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है बुक का विराट, वो फेल हो जाता है एंड कैसे उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है अपने पेरेंट्स को, बट इज नॉट एबल टू डू सो। उसको क्या बुरा लगता रहता है कि पर्सनल लाइफ नहीं है यार, कोई बहुत सारी इनसिक्योरिटीज है यार, हेयर फॉल हो रहा है एंड रिलेशनशिप इश्यूज बताए हैं मैंने यहाँ पे, बहुत सारी ऐसी अनसेट चीजें जो अपने इनसिक्योरिटीज अपने अंदर होती है, जो अपन किसी के साथ बात नहीं कर सकते। तो गाइस सीरियसली बोल रही हूँ, मुझे इतने सारे रिव्यूज आए कि मैम ये बुक पढ़ के रोना आ गया, बट बहुत सारे लर्निंग्स भी मिले। सो बेसिकली ये जो दोनों बुक्स है ना, मुझे पता है बहुत सारा रीडिंग ऑलरेडी करते हो, तो मैंने आई हैव मेड एन अटेम्प्ट जहां पे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स यूज किए हैं, इंटरेस्टिंग स्केचेस डाले हैं मैंने इनके अंदर, फनी वे में लिखा है, पंचेस लिखे हैं, इमोशनली भी काफी सारी चीजें लिखी है, बट बहुत सारे लर्निंग्स है, बहुत सारे लर्निंग्स ऐसे हैं जो आपको लाइफ टाइम के लिए आपके काम आएंगे। तो डेफिनेटली गाइज अब आंख बंद करके अगर आप किसी भी फ्रेंड्स को पूछो जिन्होंने भी ये बुक पढ़ी है, कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको कैसी लगी ये बुक, डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल रहेगी फॉर योर सीए जर्नी अहेड। तो यस डेफिनेटली गो एट फ्लैट, 50% ऑफ पे अवेलेबल है अभी, तो इट्स अ मस्ट रीड। दो दो घंटे में रिस्पेक्टिव बुक्स पढ़ के भी हो जाएगी, जैसे अपन कोटा फैक्ट्री देखते हैं या फिर एस्पिरेंट्स देखते हैं, मुन्ना भाई MBBS देखते हैं, तो इसमें यू नो डॉक्टर की जर्नी क्या होती है, यूपीएससी की जर्नी में क्या चैलेंजेस होते हैं, बट एट सी ए स्टूडेंट्स अपने जर्नीज पे कोई बात नहीं करता, तो अपन भी किसी के सामने ओपन अप नहीं हो पाते। सो दिस इज एन अटेम्प्ट जहां पे आपके चैलेंजेस और आपको इन चैलेंजेस को फेस कैसे करना है इसके बारे में बताया गया है, डेफिनेटली आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, गो चेकआउट, 250 रुपीज में बोथ दिस बुक्स अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट 4 डेज। तो यस आई विल सी यू सून, विश यू ऑल द बेस्ट।